हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पोको F3 GT का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो ऊपर एक पाउच रखा हुआ मिल जाता है, जिसमें आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है, जिससे आप सिम ट्रे को रिमूव कर सकते हैं। और उसके साथ एक ऊपर क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिलता है, और नीचे एक प्लास्टिक का पाउच देखने को मिलता है, जिसमें क्लियर केस देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल क्वालिटी का है। इसमें एक छोटा सा पाउच देखने को मिलता है, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें आपको टाइप सी टू 3.5 mm का एक अडाप्टर देखने को मिल जाता है, जिससे आप हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या मिल जाता है, और बॉक्स के ऊपर देखते हैं। तो बॉक्स में ऊपर फ़ोन देखने को मिलता है, तो चलो फ़ोन को बाद में ओपन करके देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए बॉक्स के अंदर देखते हैं और क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स के नीचे देखते हैं तो एक चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा चार्जर है, और ये 67 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और नीचे एक येलो कलर में चार्जिंग केबल देखने को मिलता है, जो कि टाइप ए टू टाइप सी चार्जर है। चलो फ्रेंड्स, अभी इसके लिए सबको साइड में रखते हैं और फ़ोन का कवर को हटाते हैं और देखते हैं फ़ोन कैसा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं फ़ोन बहुत बेहतरीन क्वालिटी का देखने को मिलता है, और पीछे पोको का लोगो देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन की फिजिकल रिव्यू की बात करें तो ये फ़ोन बहुत प्रीमियम क्वालिटी का आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके पीछे साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 64+8+2 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है, और इसके पीछे पोको का ब्रांडिंग दिया गया है। तो राइट साइड में आपको एक ट्रिगर बटन देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए दिया गया है, और उसके नीचे पावर लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। तो फ्रेंड्स, नीचे के साइड में स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है, जो कि डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है, टाइप सी चार्जर, सिम ट्रे देखने को मिलता है, और ऊपर के साइड में एक और स्पीकर देखने को मिलता है, और लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम की बटन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं फ़ोन में क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 1200 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और UI की बात करें तो इसमें 12.5.4 का UI दिया गया है, और इसमें 8 GB रैम, 128 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, और इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 67 वाट चार्जर के साथ आता है, और इसको कम से कम 0 से 100% चार्ज होने में 30 मिनट्स का टाइम लगता है। फ्रेंड्स, इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत फास्ट काम करता है, और इसके साथ में फेस अनलॉक का सपोर्ट भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन की बात करें तो ये एक गेमिंग फ़ोन है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि इसमें 2 ट्रिगर बटन दिया है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, पोको ने इस फ़ोन को स्पेशली गेमिंग के लिए बनाया है, जिसमें 2 ट्रिगर बटन दिया है, जो कि ट्रिगर बटन को क्लिक करते ही गेमिंग मोड में आ जाता है।
जैसा कि फ्रेंड इसके कैमरे की बात करें तो इसमें 64 में 8+2 मेगा पिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, और इसके कैमरे में बहुत सारा फीचर्स देखने को मिलता है। जो कि इसमें सबसे स्पेशल मुझे ब्लॉग लगा, जो कि ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और इसमें HDR10 का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें आप 1080p 30fps और 1080p 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसका गेमिंग टेस्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।